रिहायशी कॉलोनी में अवैध ट्रांसपोर्ट से क्षेत्रवासी परेशान, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को दिया ज्ञापन, समाधान नहीं होने पर होगा आमरण अनशन। उदयपुर शहर के रिहायशी इलाके चित्रकूट नगर ए और बी ब्लॉक में अवैध ट्रांसपोर्ट और ट्रकों की पार्किंग को लेकर लंबे समय से परेशान क्षेत्रवासियों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा से मिलकर अपनी परेशानी से अवगत करा, अपना विरोध दर्ज करवाया। गौरतलब है चित्रकूट नगर में अवैध रूप से रोजाना 30 से 40 ट्रक खड़े रहते हैं, जिससे कई बार भीषण हादसे तक हो चुके हैं। इसी को लेकर वर्षों से क्षेत्रवासियों का रोड पर आना जाना मुश्किल हो रखा है। अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम सिंह रावलोत ने बताया कि चित्रकूट नगर में विक्रम सिंह राठौड़ का प्लॉट है, जिस पर ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय संचालित कर रखा है, जिसकी 10-20 ट्रक रोड पर खड़े रहते हैं। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से नियमानुसार कार्यवाही कर प्लॉट को निरस्त करने की मांग की है। इस दौरान सोसाइटी अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम सिंह रावलोत, हिम्मत सिंह राव, बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़, इश प्रकाश शर्मा, रघुनाथ शर्मा, राजेश यादव, ओपी चौधरी, अर्जुन सिंह चौहान, डॉक्टर रघुनाथ शर्मा, जय प्रकाश माली, डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, राजीव भंडारी, महेंद्र भंडारी, निरंजन टेलर सहित कई लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम राजेश यादव है, व्यवसाय से शिक्षक हूँ मैं। हमारी एक प्रधान है ना, मतलब कि समस्या ये है कि चित्रकूट नगर और श्याम नगर दो एक अलाइट कॉलोनीज हैं, जहाँ पर बहुत ही बुद्धिजीवी और बहुत ही अच्छे पद पर कार्य करने वाले लोग रह रहे हैं। और समस्या ये है कि यहाँ इतने विगत 10-11 साल से मैं देख रहा हूँ कि एक अवैध ट्रांसपोर्ट कंपनी है ना कॉलोनी के मध्य में मार्ग में वो चलाता है, और उसमें बहुत सारी ट्रकें हमारे मेन मार्ग पे ना खड़ी रहती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। और जो घर से बाहर घूमने वाले होते हैं उनके लिए भी बड़ी समस्या होती है। और ख़ास तौर पर ये जो ट्रक वाले जो ड्राइवर्स हैं, ये शराब पी के वहीं खाना बना के सारी गंदगी डालते हैं, और देर रात तक जो घूमने वाले जो हमारे महिला पुरुष वगैरह जो हैं बाहर देर तक घूमते हैं, उनके लिए भी एक समस्या और फक्तियाँ कसते हैं, जो कि एक बड़ी समस्या है। कई बार उसको पर्सनली बोला कि भाई इस तरह का व्यवसाय यहाँ से बंद करके कहीं और जाओ, और दूसरी जगह ना मतलब इन ट्रकों का कहीं व्यवस्था करो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और विगत 2 दिन से तो कॉलोनी वासी खुद एक ना मतलब प्रयास कर रहे हैं कि सारी ट्रकें कैसे निकाली जाए। देर रात तक हम चौकीदारी करते हैं, हमारी जान को खतरा है, और ऊपर से है ना कि सारे ड्राइवर बोलते हैं कि हम ट्रक चला देंगे और है ना जो मालिक है वो तो जमानत करवाता रहेगा। तो इस हाल में जहाँ इतने गणमान्य लोग हैं इस कॉलोनी में रहते हैं, जिसमें कुछ तो है ना ह्यूमन राइट्स के मेंबर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, कलाकार हैं, तो काफ़ी है ना मतलब अच्छे उद्योगपति हैं, उसके बावजूद भी पुलिस है ना हमारे को कोई सहयोग नहीं कर रही है। और जब जब हम अपनी शिकायत लेके जाते हैं, बस यही कहा जाता है कि ठीक है हम देख लेते हैं, और वहाँ जाकर है ना एक छोटी सी फौरी कार्रवाई करके वीडियो बनाकर और है ना हमारे को वहाँ से भेज दिया जाता है। इस स्थिति में हम इतने कॉलोनी वासी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और अपनी समस्या को कलेक्टर साहब, एसपी साहब सबके समक्ष रखी है, और हमें आश्वासित किया गया है कि 1-2 दिन में हम इसकी समस्या को निराकरण करेंगे और कुछ निवारण होगा इसी आशा के साथ। चित्रकूट नगर ए ब्लॉक के सभी बाशिंदे जो हैं इस बड़ी गंभीर समस्या को लेकर पिछले लंबे समय से प्रताड़ित हैं। कई बार इन्होंने प्रशासन से भी इनको अवगत कराया, साथ ही पुलिस जो थाना है सुखेर, उन्होंने उसकी शिकायत भी कई बार वहाँ पे दी, लेकिन अभी तक ना तो पुलिस वालों ने ना प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। हम चाहते हैं कि आज हमने यहाँ पे वापस एसपी साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है, और अगर इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आगे हमारी ओर से जो भी सख्त कदम उठाना होगा, जो भी आंदोलन करना होगा, उसके लिए हम हमेशा इन क्षेत्रवासियों के साथ खड़े हैं। मैं स्वयं की भी बात करता हूँ, आज हम यहाँ पर आए हैं और हम उस अवैध जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय का वहाँ पर अवैध गतिविधियाँ जो संचालित कर रहा है, हमारी तरफ से एक बार आज पुनः उसको अभी अल्टीमेटम दिया जाता है कि अपने जो अवैध गतिविधियाँ हैं वो वहाँ से करना बंद कर दें, नहीं तो आने वाले समय में जो हम लोग वहाँ पर सख्त आंदोलन करेंगे और फिर उसको वहाँ से भागना पड़ेगा।